नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। और आज आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म 2021 का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 और क्लास 9 के लिए निकल चुका है। अब सवाल ये आता है कि सर हम क्या करें, 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने पिछले साल यानी 2020 में सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा था क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, वो सभी बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जो अभी पुराना वाला निकला हुआ है 2021 वाला। अब सवाल ये आता है कि सर 2022 वाला कब निकलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, 2022 वाला जो है, जो 2022 वाला है वो आपका निकलेगा सितंबर में। काफी सारे कमेंट आए हैं जिसमें लोगों ने ये पूछा है कि सर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा 2022 वाला। सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त के फर्स्ट वीक में निकलता है, यानी आने वाले एक दिन, दो दिन या तीन दिन कभी भी सैनिक स्कूल का फॉर्म 2022 वाला निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि इस साल अब सारे फॉर्म निकल चुके हैं। RIMC देहरादून का भी निकल चुका है, पुराना वाला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 का फॉर्म भी निकल चुका है, ठीक है। तो अब एक तो पुराना वाला राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है जिसकी लास्ट डेट 20 अगस्त है, ठीक है, जिसके लिए आपके लिए पास बहुत कम टाइम रह गया है। और जो भी लोग हमारे माध्यम से फ्री एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना चाहते हैं, क्योंकि शुरू के फर्स्ट वीक में मैंने एनालाइज किया था, जब 20 जुलाई को फॉर्म निकला था, शुरू के 5-6 दिन में इतने सारे लोगों ने फॉर्म गलत भरा था, इतने सारे लोगों ने, मैं बता नहीं सकता, कोई कैटेगरी गलत भर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दे रहा है, कोई फोटो गलत लगा दे रहा है, कोई टेढ़ा फोटो लगा दे रहा है, किसी को 5 MB से कम फोटो करना ही नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, फॉर्म ही फ्री कर दिया। जो लोग जर्नल वाले हैं, OBC वाले हैं, जो भी उनकी फॉर्म की फीस है, सरकारी फीस है, वही फीस आपको पे करना है। बाकी आप कोई भी फॉर्म हमारी मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का फॉर्म है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म है, चाहे वो RIMC देहरादून का फॉर्म है, कोई भी फॉर्म, बट आपको गलत फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपको लगता है आप खुद भरना चाहते हैं तो पहले आप कॉल करके पूरी डिटेल में जानकारी ले लो, है ना। दुर्घटना से देर भली, तो बेटर ये है कि आप कॉल कर लो, अच्छे से पूरा डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खुद भर सकते हैं, वैसे तो मैं यही बोलूंगा कि अगर हम फॉर्म बिल्कुल फ्री भर रहे हैं तो आप क्यों पंगा ले रहे हो। हमारे पास देखो एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम होती है जो क्या करती है, सुबह से शाम तक सारा दिन उनका काम क्या है, फॉर्म भरना। और एक दिन में आप मान के चलो हम लोग 100, 200, 300 फॉर्म भरते हैं एक एक दिन में, ठीक है ना। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से कॉल आता है सारा दिन सुबह से शाम तक। तो आप तैयारी करवाओ मत करवाओ, वो आपका पर्सनल कॉल है। लेकिन मैं हमेशा एक बात पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप लोग एक बार अंबाला जरूर आओ, विजिट जरूर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी करवाओ, जब आप लोग आओगे देखोगे, आपको बता दूं कि जो बोर्डिंग स्कूल आपको देहरादून में मिलते हैं ना, 3 लाख 3.5 लाख रुपए में देहरादून में मिलते हैं, शिमला में मिलते हैं, मसूरी में मिलता है, 3.5-3 लाख रुपए के जो बोर्डिंग स्कूल आपको मिलते हैं, सेम वही बोर्डिंग स्कूल हम आपको टारगेट कर रहे हैं 1-1.25 लाख रुपए में हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, NCC की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, इंडोर ऑडिटोरियम, वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमने 500 कंप्यूटर का लैब बनाया हुआ है। तो हमने क्या किया हुआ है, जो आपको बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल होते हैं 3-3.5-3.5 लाख रुपए मिलता है, उसी को हमने बिल्कुल, ताकि एक आम आदमी का बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ सके, ताकि एक आम आदमी अपने बच्चों को घर से बाहर निकाले। पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई लिखाई है उतना ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुबह से शाम तक जो बच्चे सारा दिन पढ़ते रहते हैं उसके बावजूद भी नंबर नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर माहौल नहीं है। तो ये बोर्डिंग स्कूल हमने इसीलिए बनाया ताकि आपको प्रॉपर माहौल मिल पाए, ठीक है जी। लड़कियां जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हैं, लड़कियां जो है वो सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, सैनिक स्कूल का फॉर्म क्लास 6 के लिए, ठीक है जी, जिसमें आपको एज चाहिए 10 से 12 साल। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मैसेज कर दो,
आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आप कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म कब कब भर सकते हो, है ना। किरण देवी जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैडम का मैसेज है, सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेंगे 2022 के लिए? अगस्त के फर्स्ट वीक में फॉर्म निकलता है हर साल। सुमन रानी जी का मैसेज है, 2 मई 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, अभी सिक्स्थ क्लास के लिए एलिजिबल नहीं है, एज ज्यादा आ रही है, तो आप क्या करो, आपका बच्चा फिफ्थ क्लास के लिए गुरुकुल के लिए अप्लाई कर सकता है, ओ ग्रो स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी। तो आप कॉल करो ताकि आपको प्रॉपर डिटेल में चेक करके आपको बताया जाए प्रॉपरली कि आपका बच्चा कौन कौन से स्कूल के लिए फॉर्म भर सकता है, उस स्कूल का फीस कितना है, उसका फॉर्म कब निकलता है, फॉर्म की फीस कितनी है, ठीक है जी। अंजू शर्मा जी ने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाला है 21 जुलाई 2010, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और आप अंजू शर्मा जी, आपका बच्चा सिक्स्थ क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सारे फॉर्म भर सकता है। तमन्ना सिंह जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल लखनऊ में किस क्लास में एडमिशन होता है और फॉर्म कब तक आएंगे? सैनिक स्कूल लखनऊ का, सैनिक स्कूल का फॉर्म जो है लखनऊ का फॉर्म जो होता है वो यूपी वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, सेवेंथ क्लास में बॉयज और नाइन्थ क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई करते हैं, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में फॉर्म निकलता है हर साल, फिक्स है, हर साल 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में फॉर्म निकलता है। और इसमें सिर्फ यूपी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके फादर का डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है। और अच्छी बात क्या है कि सेवेंथ क्लास के लिए जो सीट्स हैं वो 65 सीट्स होती हैं और नाइन्थ क्लास के लिए करीब करीब 15 से 20 सीटें होती हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है, ठीक है जी। तमन्ना सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके माध्यम से बहुत सारे जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनको भी जानकारी मिल गई, उनको भी समझ में आ गया भाई यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म जो है वो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यूपी सैनिक स्कूल के बारे में नहीं पता है। विनोद कुमार जी का मैसेज, सर जी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और रिम्स स्कूल में क्या अंतर है? आपको बता दूं कि सबसे पहले आरआईएमसी देहरादून बना था, उसके बाद 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बनाए गए, दोनों में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम अंतर है, दोनों का फीस स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की पढ़ाई लिखाई सिस्टम सेम है, सिर्फ आरआईएमसी देहरादून इंडिया में एक है और उसमें हर स्टेट की सिर्फ एक सीट होती है, तो ये शुरू में बनाया गया था, है ना। और शुरू में इसके लिए जो इसका सिस्टम बनाया गया था बहुत तगड़ा सिस्टम बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ कि भैया सिर्फ एक आरआईएमसी देहरादून से तो काम चलने वाला नहीं, इतना बड़ा देश है, है ना, बहुत हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे ऑफिसर बनाना है, फिर उन्होंने क्या बनाया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बनाया, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सिस्टम सेम है, सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सीट्स ज्यादा होती है, सिक्स क्लास में 80 सीट्स और नाइन्थ क्लास में 20 सीट्स होती है, ठीक है, जबकि आरआईएमसी देहरादून में हर स्टेट में सिर्फ एक ही सीट होती है, साल में 2 बार एडमिशन होता है तो 25-25 यानी टोटल 50 बच्चों का ही एडमिशन होता है, जबकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एक साल में 100 बच्चों का एडमिशन लिया जाता है ना। आगे चलते हैं, गुरनाम सिंह जी का मैसेज है, 24 दिसंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। देखिए गुरनाम सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीनों चीजें अगर आप मैसेज करेंगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा आता है ना। इस टाइम क्या है, हमारी बहुत बड़ी टीम ऑनलाइन बैठती है जो आप लोगों की एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई करती है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जब तक आप लोग प्रॉपरली रिप्लाई नहीं करेंगे मैं आपकी मदद कैसे करूंगा, है ना। ज्यादातर पेरेंट्स है वही आधा अधूरा मैसेज करते हैं, आधा अधूरा मैसेज फिर दिक्कत आती है। शिव कुमार पटेल जी का मैसेज है, सर मेरी बेटी, मेरी एज 15 साल से ज्यादा हो गई है, क्या मैं फॉर्म डाल सकती हूँ? शिव कुमार पटेल जी, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ डालिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, प्रॉपर जानकारी देंगे तभी मैं आपको प्रॉपर बता पाऊंगा। देखिए अगर आपकी एज सिक्स्थ और नाइन्थ क्लास में नहीं भी आ रही है तो भी आप 11th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, 2 साल लगातार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपके पास एनडीए का ऑप्शन है, अगर आप एज ए सोल्जर जाना चाहते हो तो टेक्निकल का ऑप्शन है, नॉन टेक्निकल का ऑप्शन है, क्लर्क का ऑप्शन है, तैयारी करने के हजारों रास्ते हैं,
लेकिन दिक्कत ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, है ना। और मैं बार बार एक ही बात समझाता हूँ, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग कॉल नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, विजिट नहीं करेंगे। स्कूल में ऑलरेडी 500-600 बच्चे आ चुके हैं, तो आप लोग आइए, विजिट करो, देखो। जब आप लोग खुद बच्चों से मिलेंगे, देखेंगे, बच्चों से बात करेंगे, हॉस्टल विजिट करेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कमेंट में डालना है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आशीष रावत जी का मैसेज, थर्ड क्लास के लिए हॉस्टल कब खुलेगा? देखिए, मोटा मोटा आप मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में हॉस्टल खुल सकता है, क्योंकि पंजाब में भी खुल चुका है, आपको मैं बता दूंगा यूटी में भी खुल चुका है, प्रॉपर स्कूल्स वगैरह खुल चुके हैं, है ना, छोटी क्लासेस वगैरह यूटी आपका चंडीगढ़ में खुल चुका है। टिपलू कुमार जी का मैसेज है, सर यू आर सो नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद की जाए। तमन्ना सिंह जी का मैसेज, सर आरएमएस का एग्जाम सेंटर कहाँ पर जाता है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमने एग्जाम सेंटर के ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनाए हुए हैं। अलग अलग एग्जाम सेंटर हैं, जैसे हरियाणा में आपको अंबाला में सेंटर मिल जाता है, है ना। अलग अलग एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में आपके 4-5 सेंटर है, हिमाचल में आपके अलग अलग है, उधमपुर सेंटर है, ठीक है, आपका आरएमएस चैल है, राजस्थान में आपका अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, उसके ऊपर प्रॉपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जब आप पूरी जानकारी देंगे, कॉल करेंगे, तभी हम आपको बता पाएंगे ना। और मुझे, मेरा यही मानना है कि प्लीज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पंगे मत लीजिए, हमने अब आप लोगों के लिए फॉर्म फ्री कर दिया है, आप हमारी मदद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरवा सकते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, हम आपसे एक रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे हैं फॉर्म भरवाने का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो लोग बुक्स ले रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या आरआईएमसी देहरादून का, उसके साथ भी हमने फॉर्म बिल्कुल फ्री कर दिया है, ठीक है जी। तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। रतन सिंह राठौड़ जी का मैसेज आ चुका है, डिफेंस वालों का बच्चा है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेगा 2022 वाला, जो भी निकलने वाला है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 6th क्लास के लिए बच्चा बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है जी, बिल्कुल एलिजिबल है जी। अक्षित बिष्ट जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा? 2022 वाला फॉर्म अभी निकलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर, बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि आपको इस तरह की लगातार लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, लगातार लेटेस्ट अपडेट्स। जो लोग अपना मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं, उनके मोबाइल पे मैसेज नहीं आएगा, ना उनको कोई जानकारी मिलने वाली है, ना मैं उनकी कोई मदद कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतना बार बार समझाने के बावजूद भी पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, और पेरेंट्स आधा अधूरा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं, मोबाइल नंबर नहीं डाल रहे हैं, एक साथ हजारों क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अकेला आदमी कैसे आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर भेजना पड़ेगा। तमन्ना सिंह जी का मैसेज आ गया है, सर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम सेंटर लखनऊ में मिल जाएगा, मेरठ में मिल जाएगा, ठीक है जी, आपको झांसी में मिल जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे पूरी लिस्ट आती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शन है जहां पे आप फंसेंगे, कैटेगरी का ऑप्शन है, मेडिकल एग्जाम सेंटर भी है, एग्जाम सेंटर अलग होता है, मेडिकल एग्जाम सेंटर अलग होता है। तमन्ना सिंह जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से आपके सवाल आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके फॉर्म में गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कॉल करके प्रॉपर अपनी काउंसलिंग करवा लो, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष जी का मैसेज आया, सर आरआईएमएस का पेपर पैटर्न क्या है? आरआईएमएस नहीं होता है, आरएमएस होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी, जिसका भी फॉर्म निकला हुआ है क्लास 6th और क्लास 9th का।
ठीक है जी, 50 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीके। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, पढ़ाई लिखाई सेम होती है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है, ऑलमोस्ट ऑल सेम है, ठीक है जी। और इसमें आपका 2.5 घंटे का पेपर आता है, सुबह 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक पेपर पेपर कंडक्ट किया जाता है। टिपलू कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूलाल गुज्जर जी का मैसेज, सर आरएमएस के बुक्स की फीस कितनी है? देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 15 बुक्स का सेट है उसके अंदर हम आप लोगों को सैंपल पेपर भी देते हैं, 40 आपको ओएमआर शीट भी मिलती है, उसमें आपको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के भी सैंपल पेपर दिए जाते हैं, ठीक है। 4,999 रुपए की बुक्स है, 15 बुक्स का सेट है, और उसके साथ सबसे अच्छी बात ये कि आरएमएस या आप सैनिक स्कूल का फॉर्म फ्री भरवा सकते हैं, है ना, क्योंकि इस टाइम फॉर्म निकले हुए हैं तो आप हमारी मदद लेकर के बुक्स के साथ फॉर्म भी फ्री भरवा सकते हैं। मेरा ये टारगेट है कि आप लोगों का फॉर्म ना गलत हो जाए, क्योंकि फॉर्म गलत हो जाती है तो पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल बच्चों को तैयारी करवाते हैं, है ना। टिपलू कुमार जी, ये लाइव चैट ही चल रहा है भैया, ये लाइव चैट ही चल रहा है, जो हमारी टीम है एक एक बच्चों का जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं उसके ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा एज के अकॉर्डिंगली कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। आगे चलते हैं, सरस्वती मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमने सैनिक स्कूल की 15 बुक्स का सेट जून के एंड में खरीदा था, तो क्या सैनिक स्कूल का एग्जाम फॉर्म आप हमारे लिए फ्री होगा? देखिए अगर आप ये जो फॉर्म्स जो हैं वो अभी निकले हैं और ये जो है अभी हमने किया है, ठीक है ना जी, ये ऐसा नहीं कि अब किसी ने जून में लिया था, किसी ने अप्रैल में लिया था, किसी ने मार्च में लिया था, ये सभी के लिए नहीं होता है। जिस टाइम फॉर्म निकलते हैं मैडम उस टाइम हम लोग करते हैं, क्योंकि उस टाइम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स बुक्स भी लेते हैं, उस टाइम फॉर्म भी निकला हुआ होता है, ठीक है जी। तो सरस्वती मिश्रा जी वैसे भी हमने फॉर्म फ्री कर दिया है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ जो फॉर्म की फीस है, सरकारी फीस है, वही लिया जा रहा है, बाकी हम लोग अपना कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। आपको हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं और आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री भर दिया जाएगा, और आपको फॉर्म की फीस देनी है, जो फॉर्म की फीस है 600 रुपए, ठीक है जी। ये सब जो ऑफर्स निकलते हैं जब फॉर्म वगैरह निकल जाते हैं उस टाइम होता है, अब ऐसा नहीं किसी ने मार्च में लिया था तो मार्च वाले को भी देंगे, किसी ने जनवरी में लिया था तो जनवरी वाले को भी देंगे, किसी ने फरवरी में लिया था तो फरवरी में, ये ऑन द स्पॉट होता है, जिस टाइम फॉर्म निकलता है उसी टाइम फटाफट बुक्स की पेमेंट लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और साथ के साथ उनका फॉर्म भर देते हैं फ्री में, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अंबाला में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जैसे शिमला में बोर्डिंग स्कूल है, देहरादून में है, ठीक है, मसूरी वगैरह में आपके बोर्डिंग स्कूल है, 3-3 लाख रुपए के, 3.5 लाख, वही सेम फैसिलिटीज हमने आपके बच्चों के लिए तैयार किया था कि एक आम आदमी भी 1 लाख रुपए में 1.25 लाख रुपए में अपने बच्चे को तैयारी करवा पाए, ठीक है, एक आम आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा पाए, उनका बच्चा भी हॉर्स राइडिंग करे, स्विमिंग करे, ताकि आगे चल के वो एनडीए में निकले। ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारी जो लड़ाई है, जो सारा सिस्टम बनाया गया है, ये एनडीए के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जो पेपर है वो सारे ऑनलाइन होते हैं आज की डेट में। रेलवे का पेपर, इंडियन आर्मी का पेपर, इंडियन एयरफोर्स का पेपर, आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी का जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का जो पेपर होता है, जो रिटन एग्जाम होता है, वो हमारे स्कूल में ही कंडक्ट किया जाता है, ठीक है जी। अभी आपको बता दूं कि जुलाई में 12 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के बीच में एयरफोर्स का जो टेक्निकल का पेपर था वो हमारे स्कूल में कंडक्ट किया गया था। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अंबाला में सिर्फ 2 ही सेंटर थे, जिसमें से एक हमारा स्कूल था और एक और था आपका सूर्या वर्ल्ड कॉलेज था, वहां पे ये पेपर कंडक्ट किए गए थे। तो जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनको पता है कि भी हमारे स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, पेपर भी यहीं पे होना है, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स का जो टेक्निकल पेपर होता है, नॉन टेक्निकल पेपर होता है, ठीक है। मन्ना सिंह जी का मैसेज आया, सर सैनिक स्कूल लखनऊ क्लास 7th के लिए कौन सी बुक से तैयारी करें?
आप कॉल करो, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मिल जाएगा, या आप हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लो, ऐप के अंदर आपको यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है, सेवेंथ क्लास की भी मिल जाएंगी, नाइन्थ क्लास की भी मिल जाएंगी, या आप कॉल कर लो, 4 से 5 दिन के अंदर बुक्स आपको आपके घर पे मिल जाएगी। या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फ्री सैंपल पेपर लेना चाहते हैं, आप कॉल कर लो, हम आपको 10 सॉल्ट सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री दे देंगे, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है, चाहे वो यूपी सैनिक का है, हम आपको बिल्कुल फ्री दे देंगे, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर बुक्स लेना चाहते हैं तो आप कॉल करो, पता करो, आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। किरण देवी जी का मैसेज है, सर आरएमएस फॉर्म कितनी क्लास से शुरू हो जाते हैं? 6th और 9th क्लास के बच्चों को फॉर्म भरने का मौका मिलता है, और जो तैयारी होती है वो 2nd क्लास से 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अंकुर राणा जी को क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें बताएंगे तो हम आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा आपके पास हमारे हेल्पलाइन नंबर है, जिन काउंसलर्स की मदद से आप कॉल करते हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और अंकुर राणा जी, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पूरे साल भर एक्टिव नहीं रहते हैं, जैसे ही फॉर्म निकलता है उस टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेरेंट्स एक्टिव हो जाते हैं, उस टाइम कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं, तो फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है ना। बाकी देखो, जो बच्चे स्कूल में आ जाते हैं पढ़ रहे हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मस्त होकर के उनकी क्लासेस लगती हैं, ठीक है ना। 10 से 15 दिन बच्चों को सेट होने में टाइम लगता है, जो पेरेंट्स आते हैं उनको हम पहले ही बता देते हैं, कोई भी जो बच्चा है उनको 10 से 15 दिन बच्चे को सेट होने में लगेगा, तो शुरू के 10 दिन 15 दिन बच्चे को ना छेड़ें। टिप्लू कुमार जी का मैसेज, सर फॉर्म भरने के लिए कितना एज होना चाहिए? 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल, 9th क्लास के लिए 10 से 12 साल, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो सेंट्रल हिंदू स्कूल है, एज क्राइटेरिया जो है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीनों का सेम है। सैनिक स्कूल का भी सेम है 6th क्लास का, मिलिट्री स्कूल का भी सेम, आपका 9th क्लास का, तीनों का सेम है, ठीक है। 10 से 12 साल और 13 से 15 साल के बीच में एज क्राइटेरिया होना चाहिए। एक बच्चे का बड़ा ही क्यूट मैसेज आया है, अंकल आरएमएस का एग्जाम अप्रोक्सीमेटली कब होगा? बेटा आरएमएस का जो एग्जाम है वो अक्टूबर में कंडक्ट किया जा सकता है, यानी आपके पास सितंबर अक्टूबर, ठीक है, प्रॉपर 2 से 3 महीने का ही समय, अक्टूबर या नवंबर में पेपर हो सकता है, ठीक है जी। बड़ा ही क्यूट मैसेज आया, अंकल आरएमएस का एग्जाम अप्रोक्सीमेटली कब होगा? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। छोटे छोटे बच्चे देखो एक्टिव है, ऐप के अंदर हमने सारा सिस्टम बना दिया है, जो लाइव हमारी जो वीडियोस हैं, जितना भी हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं वो सारा का सारा हमारा ऐप के अंदर भी जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर बच्चे आते हैं तो 2 वीडियो काम की देखते हैं, 10 वीडियो फालतू देखते हैं, तो बेटर ये कि हमने सारा सिस्टम ऐप के अंदर ही बना दिया है, अब बच्चों को यूट्यूब पे आने की जरूरत ही नहीं है, सही है, आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें भी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्यूट क्यूट से बच्चे होते हैं, है ना। टिप्लू जी का मैसेज है, सर आज सर एज सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते टाइम नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम जो, ये समझ नहीं आया क्या मैसेज लिखा हुआ है इन्होंने। एज क्राइटेरिया के साथ मोबाइल नंबर जरूर डालें, ठीक है जी, बच्चे का एज क्राइटेरिया, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें जब आप डालेंगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है जी। देखो जी, बच्चे का बड़ा ही प्यारा मैसेज आया, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही पढ़ो। श्रेया का क्वेश्चन कहाँ पे है? श्रेया ने लिखा है, मुझे इग्नोर मत करो। मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगा, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी कॉमन सेंस लगाइए। श्रेया का मैसेज आया, सर कैन गर्ल्स अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल क्लास 9th? लड़कियां सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 9th क्लास के लिए लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, इसके अलावा 9th क्लास के लिए लड़कियां सैनिक स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, लेकिन
मैं श्रेया को ये बता दूं कि लड़कियां सेंट्रल हिंदू स्कूल में 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और अच्छी बात क्या है उसमें फीस बहुत कम है, 50 से 60 हजार रुपये का खर्चा है, ठीक है, 50 से 60 हजार रुपये का, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, रहना पीना खाना बुक्स बैग, 50-60 हजार रुपये में क्या मिलता है सोचो आप, सेंट्रल हिंदू स्कूल। इसके अलावा नवोदय विद्यालय है, अगर आपको अच्छा चाहिए हाई फाई चाहिए तो श्रेया को मिल जाएगा, अगर यूपी से हो तो यूपी साइंस स्कूल हो गया, अगर आप यूपी से नहीं हो तो आप गुरुकुल के लिए अप्लाई करो, ठीक है, चमन वाटी का गुरुकुल है, बहुत जबरदस्त बोर्डिंग स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, और इसके अलावा आपके पास हो गया ओक ग्रोव स्कूल, ठीक है, अगर आपको हाई फाई चाहिए तो ये तीनों बहुत जबरदस्त है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तमन्ना जी का मैसेज है, आपके हेल्पलाइन नंबर पर फोन नहीं उठाते हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही है, दिन में 8-8, 10-10 हजार कॉल्स आ रही है, हम क्या करें, आप लोग जब फॉर्म निकलता है तभी जागते हो, बाकी पूरा साल आप लोग आराम से सोते हो, मस्त रहते हो, आराम से सोते हो, ना टेंशन लेते हो ना तैयारी करते हो, जैसे ही फॉर्म निकलता है सारे बरसाती मेंढक है ना, जैसे ही बारिश होती है टर 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 करना शुरू करते हो, फिर हम क्या करें बताओ आप, हम गलत है कि आप गलत हो, आपको पूरे साल भर एक्टिव रहना चाहिए ताकि आपको ये सारी जानकारी पहले ही मिल जाए, है ना। आपको बता दूं कि करीब करीब 100 लोगों की टीम मैंने लगाई हुई है, 100 लोगों की टीम, लेकिन उसके बावजूद भी कम पड़ जाता है, उसके बावजूद भी कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं, सोचो आप, तो इसमें किसकी गलती है, आप लोगों को भी टाइम से एक्टिव रहना चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा ऑफिसर बने, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा लाइफ में आगे बढ़े, लीडर बने, ऐसे लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समझो आप बात को, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ज्योति सिंह जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला है क्या, बस निकलने वाला है ज्योति जी, अभी आरएमएस का फॉर्म निकला हुआ है 2021 वाला, और सैनिक स्कूल और राष्ट्रमंडल स्कूल 2022 वाला फॉर्म अभी निकलने वाला है, ठीक है जी। गिरधारी लाल जी का मैसेज है, बड़ा ही प्यारा नाम है गिरधारी लाल जी, फॉर्म की लास्ट डेट 20 अगस्त है, फॉर्म की लास्ट डेट 20 अगस्त। मनोरंजन कुमार जी का मैसेज है, आरआईएमसी के लिए एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, 11.5 से 13 साल के बच्चे, ठीक है, 11.5 से 13 साल के बच्चे जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं, वो 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम दे सकते हैं, हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है, ठीक है जी। तमन्ना सिंह जी का मैसेज, सर हमें सैंपल पेपर सैनिक स्कूल का चाहिए, हम आपको दे देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक सैंपल पेपर मिल जाएगा, चाहे वो सैनिक स्कूल का ले लो, चाहे राष्ट्र मिलिट्री स्कूल का, चाहे यूपी सैनिक स्कूल का ले लो, चाहे जो लड़कियां हैं वो 6th क्लास के लिए किट्टूर सैनिक स्कूल का ले सकती हैं, जिसके अंदर 10 सॉल्ट सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तमन्ना जी बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगा, पढ़ो यार आगे बढ़ो लाइफ में, है ना, अगर एक बार आपका पढ़ाई की तरफ झुकाव आ गया, है ना, एक बार, इसके बाद आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा बनने से, सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकती, ठीक है ना। रामेश्वर सिंह जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 6th क्लास के लिए 2022 में आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है, और लगातार 2 साल 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है, लगातार 2 साल। रामेश्वर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, परमात्मा करे आपका बच्चा जरूर एग्जाम दे, सेलेक्ट हो जाए, हम आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप लोग भी समझो मैं अकेला इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, मेरी टीम जो है वो आपकी पूरी मदद करेगी, डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर जरूर डालिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लो, ताकि अभी फॉर्म निकला हुआ है,
आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहेगा। वो हमारा छुटकू बच्चा दोबारा से आ गया है, अंकल आरएमएस का एग्जाम कितने आवर्स का होगा? आई एम फ्रॉम गुजरात। बेटा जी आरएमएस का एग्जाम 2.5 घंटे का होता है, सुबह 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा, चाहे वो 6th क्लास का है चाहे वो 9th क्लास का है। 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का जीके, ये 4 सब्जेक्ट आपको तैयार करना है क्लास 6th के लिए। एक बच्चे का मैसेज आया, सर आरएमसी के लिए क्या करूं, कॉल करो, हम आपका आरएमसी का फॉर्म भरेंगे, 4 दिसंबर 2021 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा शनिवार के दिन, ठीक है, अगर आप 7th क्लास में हो या अगर आप 8th क्लास में हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आरएमसी देहरादून के लिए 11.5 से 13 साल के बीच में एज होनी चाहिए, और सारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए, देखो कितना प्राउड फील होता है यार, कितना अच्छा लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो फालतू चीजें छोड़ करके अपने भविष्य के बारे में सोच रही है। 10 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा पूछ रहा है, सर अंकल जी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम क्या है। सोचो अब देश बदल रहा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना, मजेदार चीज, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आ गया आज तो। अभी इंडिया में सारे जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होते हैं, अरुण चाहे वो साइनिक स्कूल का पेपर है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर है, चाहे वो गुरुकुल का पेपर है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून का पेपर है, सारे पेपर आपके ऑफलाइन होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको टिक करना पड़ता है, जैसे साइनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, इसके अलावा आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये सारे टिक करने वाले होते हैं। बाकी गुरुकुल, आरआईएमसी, ये क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, लिखने वाला होता है, इसमें आपकी राइटिंग भी मैटर करती है। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर तैयारी नहीं करवाई तो आगे चल के वही नॉर्मली आप स्कूल की पढ़ाई करते रहेंगे, नॉर्मली ट्यूशन पढ़ते रहेंगे, और उसके बावजूद भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। पैसा लगाने के बावजूद भी, पैसा आप आज भी लगा रहे हैं और आप वैसे भी आपका पैसा लगेगा, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, है ना। यही बच्चे जब हॉस्टल में आते हैं तो ये लोग हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, हर संडे टेस्ट देते हैं, इनका रूटीन बन जाता है, पैसा उतना ही लग रहा है। आज भी देखो अगर कोई बच्चा नॉर्मली स्कूल में पढ़ रहा है तो आपका 2500-3000 रुपए स्कूल की फीस दे रहा है, ट्यूशन की फीस दे रहा है कम से कम 2500-3000 रुपए, तो 6000 रुपए का खर्चा तो वैसे ही आ रहा है ना, 6000 रुपए का खर्चा, तो आपका बच्चा 6000-7000 रुपए का खर्चा, अगर हम लोग बुक्स बैग मटेरियल, तो 6000-7000 रुपए का खर्चा तो आपके बच्चे का घर पे भी आ रहा है, ये समझने वाली बात है। 2500-3000 रुपए स्कूल की फीस है, 2500-3000 रुपए ट्यूशन की फीस है, सोचो आप, तो 6000 रुपए जिसमें आपका बुक्स भी इंक्लूड नहीं है, जिसमें आपका रहना पीना खाना कुछ भी इंक्लूड नहीं है, बैग का खर्चा कुछ भी इंक्लूड नहीं है, उसके बावजूद भी 6000 रुपए का खर्चा तो आपका घर का भी आ रहा है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर आपको महीने का आपको इतना इकोनॉमिकल सिस्टम बन रहा है तो आप आराम से 2 साल 1 साल 2 साल आराम से प्लान करके तैयारी करवाओ, प्लानिंग प्रॉपर, हर चीज में प्लानिंग चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉपर आपको प्लानिंग चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, अगर आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग से एडमिशन नहीं करवाया, प्लानिंग से आपने स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया, प्लानिंग से अगर आप तरीके से बच्चे को कोचिंग नहीं दिलवा रहे, कोई फायदा नहीं है। जीत रॉय जी का मैसेज है, थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन, सर वी आर फ्रॉम डिफेंस सर, बट आई कांट हैव माय कास्ट सर्टिफिकेट, बट माय फादर हैज कास्ट सर्टिफिकेट। बेटा फादर का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, अगर आपके मतलब जो आपकी फैमिली है वो ओबीसी कैटेगरी में आती है तो आपके पास ओबीसी कैटेगरी होना चाहिए, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो एससी कैटेगरी का होना चाहिए, या एसटी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप डिफेंस कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या पार्ट टू ऑर्डर की कॉपी होना चाहिए, ठीक है। जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रियंका शुक्ला जी, अगर अगर आपके पास पार्ट टू ऑर्डर की कॉपी नहीं है तो आप आधार कार्ड लगा दो या आप सर्विंग सर्टिफिकेट लगा दो,
वहां पे आधार कार्ड और पार्ट टू ऑर्डर की कॉपी मांगा हुआ है, तो जो वो मांग रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मान लो आपके पास पार्ट टू ऑर्डर की कॉपी नहीं है या वो नहीं है, फिर आप लगा सकते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसमें लिखा है अगर आप वैसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि देखो फॉर्म में एक एक बहुत बारीक चीजें होती है, और जिन लोगों को फॉर्म में भरने में दिक्कत आ रही है कुछ मत करो, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री भर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल फ्री भर देंगे। गुंजन सिंह जी का मैसेज है, फॉर्म कैसे भरना है सिक्स्थ क्लास का? सिक्स्थ क्लास के लिए 10 से 12 साल की एज चाहिए। गुंजन आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल करो, रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूँ, तो मोटा मोटा हम मैं और मेरी टीम मिल करके आप लोगों को 12 घंटे की सर्विस दे रहे हैं, मोटा मोटा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारा IVR सिस्टम, आप उसके ऊपर कॉल करो। ठीक है, और रात को 9 से 10 मैं रोज लाइव आ रहा हूँ, रोज मैं काम कर रहा हूँ, देखो आपके सामने ही है ना। तो गुंजन आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पर आपको क्योंकि टाइम कम रह गया है, लास्ट देखो 10 अगस्त के बाद हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है ना, बिजली का बिल लास्ट डेट में भरना है, दूध का पैसा लास्ट डेट में ही देना है, बच्चों की फीस लास्ट डेट में ही देनी है ना, मकान का किराया लास्ट डेट में ही देना है, फॉर्म जो है वो लास्ट डेट में ही भरना है, और लास्ट डेट में साइट डाउन हो जाती है, फिर कल को आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, साइट नहीं चलेगी, फिर आप परेशान होंगे। तो गुंजन आप कॉल करो, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री भर देंगे, है ना, बिल्कुल फ्री भर देंगे यार, बिल्कुल फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया। अश्वनी कुमार जी का मैसेज है, सर आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है? हमारे स्कूल में हर संडे बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, एक तो हर रोज एक टेस्ट कंपलसरी है, हर रोज ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, चाहे मैथ्स, एक दिन मैथ्स का होता है मंडे को, फिर ट्यूसडे को इंग्लिश का, थर्सडे को रीजनिंग का, वेडनेसडे को, ऐसे अलग अलग टेस्ट होता है, और संडे को बड़ा वाला टेस्ट होता है 300 नंबर का, ठीक है, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का 200 नंबर का, सेंट्रल हिंदू स्कूल का 100 नंबर का, ठीक है, हर संडे को। तो 500 कंप्यूटर की हमने लैब लगाई हुई है, करीब करीब मैं आपको बता दूं 2.5 से 3 करोड़ रुपया लगा के हमने लैब बनाई हुई, ताकि हमारे बच्चे हर संडे को ऑनलाइन टेस्ट दें, हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना, हॉर्स राइडिंग है, सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस है हमारे स्कूल में, जितनी भी क्लासेस हैं चाहे वो छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस में ही पढ़ाई होती है, इंडोर ऑडिटोरियम है। और मैं आपको बता दूं कि जो जो फैसिलिटीज हम लोग आपको 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में दे रहे हैं, है ना, 1 से 1.5 लाख रुपए में दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं यही सारी फैसिलिटीज आपको हिमाचल में, आपको देहरादून में 3-3.5 लाख रुपए में बोर्डिंग स्कूल में दिया जाता है ना, यही सारी चीजें। बट क्योंकि हमारे बच्चे आगे चल के, हमारे यहाँ पे ना मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं, छोटी छोटी फैमिली से किसानों के बच्चे आते हैं, फार्म किसानों के बच्चे आते हैं, डिफेंस पर्सन के बच्चे आते हैं, सर्विस क्लास लोगों के बच्चे आते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जरा। किरण देवी जी का मैसेज, सर सैंपल पेपर मुझे भी चाहिए। बिल्कुल, आप कॉल करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, एक सैंपल पेपर जिसके अंदर 10 सॉल्ड सैंपल पेपर होंगे, है ना। और मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है, अब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब आपके पास सिर्फ 8 महीना रह गया है। तो आप एक बार अंबाला आओ, विजिट करो, बच्चों से मिलो, जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 500 बच्चे, 600 बच्चे, 700 बच्चे हैं, आप आओ। जब आप खुद देखोगे ना पूरा सिस्टम, मैं कह रहा हूँ कि आप बिना एडमिशन कराए जा ही नहीं पाओगे, इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है, इतना जबरदस्त सिस्टम, ठीक है ना। क्योंकि हिंदुस्तान में एजुकेशन का हाल बहुत बुरा है, जिन लोगों के पास अच्छा पैसा है, सोचो आप जितने भी बिजनेसमैन हैं क्या उनके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं क्या उनके बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर वो लोग अपने बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ा रहे हैं, देखो आप अपने बच्चे को बाहर तो नहीं भेज सकते, लेकिन आप अपने बच्चे को एटलीस्ट
कम से कम आप छोटे शहरों से निकाल के बड़े शहरों में तो डाल सकते हो, छोटे स्कूल से निकाल करके बोर्डिंग स्कूल में तो डाल सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। अंकुर राणा जी, बिल्कुल हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल ओपन हो चुके हैं। रामेश्वर सिंह जी का मैसेज है, वो हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हॉस्टल में देखो बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स, और जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है आप सिर्फ नवंबर और दिसंबर में आकर के 2 महीने का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है तैयारी करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अंश प्रीत सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर जरूर डालिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, 28 जनवरी 2012, 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है ना। देवाशीष जी ने लिखा है 10 साल एज कंप्लीट होगी, प्रॉपर एज बताओ यार, एज क्राइटेरिया प्रॉपर एज बताओ क्या है, कितना कंप्लीट हो गया है कितना नहीं हुआ है उससे नहीं पता चलता है, एज बताओगे तो मैं आपको एग्जैक्टली जानकारी दूंगा एग्जैक्टली। आयुष यादव जी का मैसेज है, सर यूपी सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए कितना सीट होता है? मोटा मोटा 20 सीटें होती है, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला करके 20-25 सीटें है ना, 9th क्लास के लिए कम सीट्स होती हैं, 7th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल के लिए 65 सीट्स होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मनीष कुमार शुक्ला जी का मैसेज, सर आरएमएस 2021 9th क्लास के फॉर्म के लिए एज क्या चाहिए? 13 से 15 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 होनी चाहिए, 31 मार्च 2008, ठीक है जी, 6th क्लास के लिए। तो मनीष कुमार शुक्ला जी, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर क्यों नहीं डाल रहे हो यार आप लोग, है ना, आपको मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल में, बड़ा मुश्किल है मनीष भाई, आप भी समझो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 7419992928, बहुत सिंपल नंबर है, 7419992928। सत्यदेव शर्मा जी का मैसेज है, सर ये बताओ ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन है, पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है, तैयारी जो है वो ऑनलाइन भी होती है ऑफलाइन भी होती है ना। अगर आप हॉस्टल में आओगे तो भी सिस्टम मिल जाएगा, अगर आप घर पे बैठ करके ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, अगर आप सारा दिन पढ़ना चाहते हो फुल डे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, अगर आप सिर्फ इवनिंग क्लासेस लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में होता है, रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस स्मार्ट क्लासेस हॉर्स राइडिंग स्विमिंग एनसीसी की ट्रेनिंग इंडोर ऑडिटोरियम सब कुछ इंक्लूड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिससे बच्चे खुलते हैं, जिससे बच्चे बोलते हैं, जिससे बच्चों की शर्म झिझक ये कम होती है, क्योंकि छोटे शहरों के बच्चे ना बड़ा शर्माते हैं, जो छोटे शहरों से लड़के लड़कियां आते हैं वो बड़ा शर्माते हैं, है ना, तो हमें उनको बनाना है ताकि वो बड़े शहरों के बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर पाए, इंग्लिश में बात कर पाए, उनकी भी पर्सनैलिटी अच्छी हो, उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, है ना, कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये सारी चीजों के ऊपर हमें काम करना है। मदन सिंह जी, अगर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन काउंसलर्स के माध्यम से आपने एडमिशन करवाया है आप उनको कॉल करो, जो भी आपके बच्चे के अकाउंट मैनेजर हैं वो आपकी मदद करेंगे, है ना, जिन काउंसलर्स के माध्यम से आप लोग कॉल, जिनके माध्यम से आप करवाते हैं वो आपकी मदद करेंगे। अगर मान लीजिए उनका नंबर बिजी आ रहा है तो आप उनको व्हाट्सएप पे उनको मैसेज डाल दीजिए, ठीक है, वो आपको रिप्लाई करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, राजकीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, कोई डेट फिक्स नहीं है, एक आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और फॉर्म हम लोग भर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मदद से, चाहे वो सैनिक स्कूल का फॉर्म है चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म, भरवा सकते हैं। ठीक है, निशांत जी का मैसेज आया, सर 13 साल के लिए कौन से फॉर्म है? सारे फॉर्म है, 9th क्लास है। 13 से 15 साल के बच्चे सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, मिलिट्री स्कूल का भी भर सकते हैं, गुरुकुल का भी भर सकते हैं, ओक ग्रोव स्कूल का भर सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का, सेंट्रल हिंदू स्कूल बहुत सस्ता है, 60,000 रुपए में IIT BHU के बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। सिर्फ 60,000 रुपए में बच्चा सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी तैयारी कर सकता है, सोचो। तो सस्ते से सस्ता स्कूल भी है, महंगे से महंगा स्कूल भी है। मैं उन्हीं स्कूल्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो आपके बजट में होंगे, ठीक है। तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जिन लोगों ने कमेंट किया है उनको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जिन्होंने अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के साथ एज क्राइटेरिया छोड़ा हुआ है उनको जरूर मैसेज आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और दूसरा, आप अगर एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरी पुरानी वीडियोस चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐप के अंदर सारी जानकारी दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप लोग जितने भी कमेंट करें ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी सवालों के जवाब दिए हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर।